मॉन्स्टर्स आ गए हैं, हमें भागना होगा। प्लेयर्स कहाँ हैं? हम पिछले एक घंटे से उन्हें ढूंढ रहे हैं, शायद वो छुप गए होंगे। मैं नाइट स्टैंड के पीछे देखता हूँ। रुको, मैं सबको पकड़ के थक गया हूँ, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। हाँ, हमें इसके पैसे भी नहीं मिलते। आउच, तुम ज्यादा थक गए हो दोस्त। ओह, मुझे ऑरेंज के लिए और खाना मिल गया। ये और मुझे आखिरकार आखिरी क्यूब मिल ही गया। क्वेस्ट पूरा हुआ। अब क्या? वाओ, अब मेरे पास गोल्ड कलर का बॉक्स है। आउच, ये क्या था? आहा, पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। ओह, यहाँ दो और बैग्स हैं। अब मैं पॉइंट्स ले सकती हूँ। दूसरी तरफ लूसी ने टास्क को पूरा कर लिया। ब्लू फ्रेंड कहाँ से आ गया? जब तुम उसका ध्यान भटकाओगे तो मेरा ये टास्क करना आसान हो जाएगा। ओह नहीं, मॉम आ रही है, हमें इसी वक्त सबूत छुपाने होंगे। ठीक है, चलो अपना स्पेशल सीक्रेट इन्वेंशन शुरू करें। चलो नाटक करें कि हम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ हाँ, बहुत मजेदार बुक है। नेट, अब जो तुम वापस आ गए हो, या तुम मेरी मदद करोगे? हम रुक क्यों गए? हमें मॉन्स्टर्स खाने वाले हैं। हमने तुम्हें पकड़ लिया। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें भूख लगी है? ये लो, और मुझे सेट पर जाना होगा क्योंकि मैं एक शो की होस्ट हूँ। शुक्रिया मॉम, वो चली गई। बढ़िया, इससे पहले हमारे कैरेक्टर को खा लिया जाए, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर आओ गेम पैड, मुझसे गेम शुरू करने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। और वो कहाँ गए? वो यहीं तो थे। ओह, ये खतरनाक है, हमें उनसे छुपना होगा। मुझे प्यास लगी है। लूसी, संभल कर, वो मुझसे गलती से हुआ, मेरा हाथ हिल गया है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। अब मैं किसी का पीछा नहीं करना चाहता, अब हम आजाद हैं। क्या हो रहा है? वो यहाँ आ रहे हैं। अब गेम सेटिंग्स, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम यहाँ हो, अब हम जो चाहेंगे वो ही करेंगे। ग्रीन, इधर आओ, मैं आ रहा हूँ। आउच, देखने में कितनी परेशानी हो रही है। मेरे लिए रुको, मुझे रेनबो फ्रेंड्स खेलना पसंद है, पर असली जिंदगी में नहीं। शांत रहो, वो हमें सुन लेंगे। अरे नहीं, वो आ भी गया। कितना डरावना है। वाओ, कितना कूल गेम पैड है। व्यू, मैं पांचवी बार कोशिश करने के बाद बाहर आया, तुम मेरी मदद कर सकते थे। मैं कुछ कर रहा हूँ, बच्चों को ढूंढने की कोशिश। खैर, हेलो, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अब क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें हार माननी होगी। हेलो, वो बहुत बड़े और डरावने हैं, हम इनके साथ क्या करें? क्या इन्हें खा लें? और हम ये सब मॉम को कैसे समझाएंगे? मैं गेम में रहकर थक गया हूँ और मुझे भूख भी नहीं लगी। मेरे पास एक आइडिया है, तुम हमारे लिए कूल बेड्स बनाओगे। मुझे लगा नहीं था हम कभी गेम में आ पाएंगे। हाँ, हम उनसे जगह बदल लेंगे। खैर, जब तक वो बिजी है, हम आराम कर सकते हैं और खा सकते हैं। चलो इस दुनिया से कुछ यादगार ले जाते हैं। गुडीज, बढ़िया है, बहुत सारी ले लो, ऑरेंज को ये बहुत पसंद आएगी। ओह, क्या तुमने भी वो सुना? वो उनके पेरेंट्स होंगे। चलो उनके आने से पहले खुद को छुपा ले, जैसा तुम कहो। ओह, मेरे लिए रुको, क्या बच्चों ने इतनी गंदगी फैलाई है? उन्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैं घर आ गई। यहाँ इतना शोर क्यों है? नेट और लूसी कहाँ है? फिर बाल बाल बचे, चलो बच्चों को देखें। गेम में रहना बहुत अजीब है, हम यहाँ आए कैसे? और तुमने कपड़े कब बदले? मुझे नहीं पता। और तुम, गेम की स्किन लग रही है। रुको, मुझे कुछ मिला है। ये लाइट बल्ब कहाँ से आया? खैर, ये बाद में पता लगा लूंगा। उन्होंने टीवी बंद कर दिया, इससे वो हमें बाहर जाने से नहीं रोक सकते। हे, मुझे इस तरह मत डराओ। हाँ, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमें उनका कहना मानना होगा। चलो बेड्स बनाएं, एक तो यही है, तो हम दूसरे के लिए इस सामान का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम इनके पास सही टूल्स तो है। क्या हम शुरू करें? इसे एक गेम क्वेस्ट समझो। चलो उनके लिए आलीशान बंग बेड बनाते हैं, वो इस पर सो जाएंगे तो हम भाग जाएंगे। देखो, मैंने फ्रेम बना लिया, यही तो चाहिए। बहुत अच्छे, मैं मदद करती हूँ। खैर, ध्यान से, हो गया। चलो गेम की दुनिया का सबसे सॉफ्ट मैट्रेस ढूंढते हैं। ओह, भारी है। उन्हें सिल्क ब्लैंकेट पक्का पसंद आएगा, ये रास्ता उनके सोने की जगह तक जाएगा। वाओ, तुमने उनके लिए सीक्रेट रूम बनाया है, ये ओरिजिनल है, पर कलर ज्यादा ब्राइट नहीं है। सही कहा, और मुझे पता है अच्छे कलर कहाँ मिलेंगे। ग्रीन और ब्लू बढ़िया है, भले ही ग्रीन फ्रेंड को सही से ना दिखता हो, पर उसे इस चॉइस की तारीफ करनी चाहिए, और ऊपर स्माइल करने वाला रहेगा। हो गया, तुम क्या कर रहे हो भाई? और सब कुछ अच्छे से स्क्रू हो गया है। ए, क्या हम कुछ डिटेल लगाएं? हम डेकोरेशंस के बिना क्या करेंगे? इतनी ग्लू काफी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें बलून्स क्यों चाहिए? इसे सोने में सॉफ्ट बनाने के लिए। ये बढ़िया आइडिया है। ओह, देखो मुझे क्या मिला, क्वेस्ट के लाइट बल्ब। तुमसे पहले
मैंने इसे क्यों नहीं देखा। मुझे भी मिले हैं, पर हम इनका क्या करेंगे? क्वेस्ट हमें बाहर नहीं निकाल पाएगा। हम इन्हें लाइट के तरह इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। चलो इन्हें हमेशा की तरह लगाएं। अब तक तो सब सही है। बढ़िया, ये बहुत खूबसूरती से जलते हैं। रेनबो फ्रेंड्स को ये पसंद आना चाहिए, पर हमारे पास आखिरी बल्ब नहीं है। अब हम क्या करेंगे। अरे हाँ, एक मेरी पॉकेट में है। बढ़िया, अब हमारी किस्मत अच्छी है। अब आखिरी काम है सेकंड फ्लोर तक के लिए लैडर को लगाना। बढ़िया। हे, हमें बाहर निकालो, हमारा काम खत्म हो गया। हाँ, हम घर जाना चाहते हैं। शायद वो हमारे बारे में भूल गए हैं। ओह, मैं थक गया हूँ। क्यों ना हम उनके आने का इंतजार कर लें। मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। इन्होंने कितना बढ़िया बेड बनाया है। शायद अपनी दुनिया में वापस जाने का वक्त हो गया है। मैं बस 5 मिनट लेट हूँगी। कितना सॉफ्ट बेड है। हमने अच्छा काम किया, हमें आराम करना चाहिए। हे, क्या वो सो रहे हैं? हे, तुम दोनों उठ जाओ। ओह, तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ, हमें भी कभी कभी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। लड़का क्यों नहीं उठ रहा? उठो, शांत हो जाओ, सब ठीक है। तो क्या हमने अच्छा काम किया? शुक्रिया, तुमने कमाल के बेड्स बनाए। फिर ये खतरनाक था, पर हमने कर दिखाया। ओह, और मॉम घर आ गई। मॉमी, हम गेम खेल रहे थे और मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया और हमसे मेकओवर करवाया। शांत हो जाओ, तुमने शायद ज्यादा गेम खेल ली और वो तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई। मेरा एक शो आया है, चलो उसे देखें। सबसे कूल कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है। चैनल के फेस को चुनने की हिम्मत भी मत करना। इसका कोई तरीका नहीं है। हेलो ऑडियंस, ये तीनों हमारे शो रैग्स एंड रिचेस में हिस्सा लेंगे। वापस आओ लड़के, तुम्हारी किस्मत में जो है वही होगा। टीवी का फैशन अजीब है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? चलो चलें। मुझे उम्मीद है आपने चैनल नहीं बदला। शानदार कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है। अब मेकअप ठीक करने का समय है। चैनल के चेहरे पर गुदगुदी मत करो, मैं रूल समझाऊंगी। पार्टिसिपेंट शो के समय इकट्ठे करने के लिए लुक्स चुनेंगे। टास्क पूरा करने के बाद उनके ग्रेड्स उनके ऊपर दिखेंगे। ये कैसा सिस्टम है? अब लुक चुनने की बारी रेबल की है। मैं क्यों? ठीक है, अपनी फिंगर्स क्रॉस कर लो, व्हील घुमाओ। अब तो प्रे करने के लिए बहुत देर हो गई है। अब क्या होगा? मैंने सोचा था मुझे गोल्ड लुक मिलेगा। मुझे निराश मत करना। क्या सभी बेवकूफों को ऐसा ही लगता है कि ये कभी नहीं रुकेगा? रुक गया है ना? हुर्रे, मेरा आउटफिट सबसे अच्छा है। ओलिगार्क रैंक के लिए एंथनी को बधाई हो। मैं भी अपनी किस्मत देखना चाहूँगी। गरीब नहीं, प्लीज। वैसे भी मुझे स्टाइल के मामले में कोई नहीं हरा सकता। वाह, तैयार हो जाओ। आखिरकार मैं रिच आउटफिट पहनूंगी। यूहू, टीवी मैजिक। मुझे अब से अमीर बोलना। जादुई ट्रांसफॉर्मेशन कॉमनर्स में। हे, अब फैशन वर्डिक्ट सुनने की तुम्हारी बारी है। हीरो के लिए रास्ता बनाओ। कभी ना आने से लेट आना बेहतर होता है। क्या अब दो अमीर लुक्स होंगे? व्हील ऑफ फॉर्चून आज बहुत स्ट्रिक्ट है और मैंने उम्मीद की थी। ये रैक्स कहाँ से आए? शायद मुझे पता है, कचरे की खुशबू। चलो हमारा शो शुरू करें। प्रॉप्स लेकर यहाँ आओ, जल्दी। पार्टिसिपेंट्स पैसे इंतजार कर रहे हैं। कुछ गोल्ड कॉइन्स, 1000 creepy dollars। मेन प्राइस कहाँ है? और हाँ, एंथनी के लिए $1,000,000। मुझे माफ कर दो लेडी, पर तुमने कुछ गड़बड़ की है। तुम जीनियस हो, तुम सही हो। गरीब आउटफिट के लिए इसकी ज्यादा जरूरत होगी। मजे करो। अब मैं याद रखूंगा कि मुझे टीवी स्टार्स के साथ बहस नहीं करनी। इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। मैं $1 से क्या खरीद सकता हूँ? मैं स्कीम में था। लगता है ये हमारा टास्क है। हाँ, मैं पक्का लूजर ही हूँ। शो एडवांस टेक्नोलॉजी, यही मत टंगे रहो। क्या इससे हमारा ध्यान भटक रहा है? यम्मी। ड्रेसिंग रूम, लड़कियों का पैराडाइज। और बीच रूम देखो। ध्यान दो पेयर्स, आराम से असिस्टेंट। समर लुक कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है। अपने पैसे निकालो दोस्तों। हटो, मेरे पास ग्रीन टी कार्गो है। देखते रहे, मैं बहुत अमीर लोगों की तरह तैयार होऊंगा। ऑनलाइन बहुत महंगी ग्लासेस ऑर्डर करूंगा। चलो देखें वो क्या ऑफर करेंगे। ये बेकार है। अगले
नहीं, ये ज्यादा महंगे नहीं लग रहे। बिटकॉइन की कसम, इतना शोर क्यों हो रहा है? ओह, लोकल बेगर्स परेशान हो रहे हैं। वाह, मैं यही ढूंढ रहा था। मेरी पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है और कॉन्टेस्ट जीतने के लिए टर्बो डिलीवरी। मुझे पैसे खर्च करने की बहुत आदत हो गई है। रूम विंग्स होम प्लैनेट पर जा रहे हैं। मैं ऑडियंस को हैरान कैसे करूं? मैं इससे अच्छी भी खरीद सकती हूँ। चलो और चुने। तुम प्यारे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में सबका ध्यान मेरे ऊपर हो। एक मिनट रुको, पूरा आउटफिट मम्मी के पास आओ। हम साथ में इंस्टाग्राम पर समर पार्टी रखेंगे। लाइक्स करना ना भूले सब्सक्राइबर्स। शानदार सेल्फीज के लिए शुक्रिया मेरे प्लास्टिक फ्रेंड। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वाह, ये बहुत सुंदर है। मुझे बहुत अमीर महसूस हो रहा है। अमीर के आने से पहले यहाँ से सामान लेने का ये अच्छा मौका है। वेजिटेबल्स में भी GMOs होते हैं। तुम भी पॉपकॉर्न। मेरे पास कम पैसे हैं। ओह, मुझे कुछ बढ़िया मिला है। कोइंसिडेंस? मुझे ऐसे नहीं लगता। मैं ये ले रहा हूँ, ये बहुत सस्ता है। हे, तुम यहाँ भीख मांग रहे हो? एलन के मोहक है इस तरह। क्या ये आवाज़ें? मेजर से सेलो ड्यूटी पर है। अब मेरी क्विन सेल्फी लेनी है। अपने आप की इतनी तारीफ करना बंद करो। ये मास्टरपीस देखो, अब ये ट्रेंडी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या इस कबाड़ के साथ फोटो में तुम हो? तो अपने बकवास ग्लासेस में से देखो। छोड़ो, मैं यहाँ तुमसे पहले आई थी। स्कफल किंग बचाने आया है। इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसे छोड़ो जेन, इसमें तुम्हारा ही भला है। व्हाइट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। छोड़ो अमीर लड़के, मैंने जादुई कारपेट ऑर्डर नहीं किया था। कम कमाई वाले लोगों को मदद की जरूरत है। आउच, बढ़िया, अब ये किसी को नहीं मिलेगा। अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मेरे और फैशन के बीच में नहीं आना चाहिए था। बाद में शांत हो गया। ओ लाला, कितनी बढ़िया चीज मिली है। मुझे बहुत सुंदर डिजाइन चाहिए। आज मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। एक जगह पर बटन लगाए, अच्छे से चिपकाए। अच्छी बात है कि असिस्टेंट ने कैंडीज नहीं खाई। मैं फिर से स्टूडेंट्स को नहीं बुलाऊंगी। तुम ऐसे क्यों डराते हो? मैं बस शो ऑफ कर रहा था। लोग हंसेंगे। फंस गए, ब्रॉडकास्ट खतरे में था। मैं अपने अमीर कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उफ, यहाँ आओ। देखो, तुम्हारे पास एक भी मौका नहीं है। रेक्स, चलो देखें कि लुक चुनना कैसा चल रहा है। क्या वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं? और अब क्या होगा? लेकिन समय बीत रहा है। प्लेयर्स, जल्दी करो, मैं जीत कर रहूंगा। हार गए यंग मैन। रेक्स और रिचेस में बढ़िया लड़ाई चल रही है। बेकार कपड़ों का ढेर पड़ा है। इनमें से कुछ भी पहनकर मैं ज्यादा अमीर नहीं दिखूंगा। मैं हार जाऊंगा। ये रोशनी कैसी है मेरी कीमती? मैं ये रोशनी कभी नहीं भूलूंगा। मेरी आंखों के आगे गोल लाइट आ गई थी। विश्वास करो, उस रूम में मुझे जीत दिख रही थी। हे, क्या मैं इसे गिफ्ट समझ कर रख लूं? ये सच में टीवी के लिए है। ये बहुत जरूरी है। ये काम नहीं करेगा। चलो थोड़े अलग तरीके से करें। 100 ठीक रहेंगे। और कोई और चारा नहीं है? तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। मजे करो। मुझे लग रहा है मुझे ये अच्छा लगने लगा है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मेरे पास एक नई चीज है। मेरा मूड खराब कर दिया शरारती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। बढ़िया सजावट है। गिर गया। हियो, मेरे दांतों के बीच में फंस गई। आह, ये बढ़िया डिनर नहीं है। क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। वो नया क्राफ्ट बना रहा है। रील से नया क्राफ्ट। हटो पॉल, इतनी जगह से कोई भी निकल सकता है। लाइट्स किसने बंद की है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे आजादी चाहिए। आज मुझे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। चलो बनाएं। गर्मियों में हमें पैनामा हैट की जरूरत होगी। मार्कर से दो अलग साइज के सर्कल्स बनाएं और उन्हें सीजर से बहुत ध्यान से काटें। पूरा दिन मेहनत से काम करना। फिर इसके अंदर की तरफ टेप चिपकाएं ताकि इसकी शेप अच्छी आए। बस सन प्रोटेक्शन तैयार है। ये बच्चा तेज है। ये पुरानी बातें छोड़कर शॉपिंग करने का समय है। मैंने तुम्हें पहले कैसे नहीं देखा? अजीब है। अच्छा, ओह, शाइनी जुकाम। वाह, बढ़िया हैट है। ये तो कमाल की हैट है। अगर मैं कपड़ों को भी सिल्वर बनाऊं तो शायद मुझे कमाल का तरीका पता है। मेरी मदद करो गोल्डन फेदर्स। अच्छा रुको, सिल्वर स्पाउस का शानदार डांस कहाँ है?
ज्यादा पैसों से? तुम पागल हो गई हो, मैं छींक मार मार के थक चुकी हूँ, चलो भी। तब तक मैं खुद कुछ बना सकता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? पैसों से सम्ब्रेरो बनाऊँ? नहीं, डायमंड कैप ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास पहले से ही बढ़िया मटेरियल है। जाओ पैनामा, हमारा शो खत्म होने वाला है, अब कपड़े चुनने बंद करने होंगे। जीन से मिले। हजार बक्स वाली लड़की ने हमारे लिए सुंदर सिल्वर लुक तैयार किया है। अगला है डॉलर वाला पॉल। इसके ऊपर गार्डनर के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। अमीर एंथनी क्या सरप्राइज देगा? हाँ, हम हैरान हैं। ये अच्छा लग रहा है, मेरे लिए वोट करो। मुझे यकीन है लोगों को मेरी गोल्डन हैट बहुत सुंदर लगी है। कपड़े बनाने में बहुत मजा आता है। हेलो मैम, इनके लुक्स को ग्रेड से। ये है एंथनी की आउटफिट, ये पूरे $1,000,000 की है, इसे सब याद रखेंगे। चलो अब पॉल का लुक देखें। ये यहाँ खाली आंखों के साथ नहीं आया, ये आउटफिट इसने खुद अपने हाथों से बनाया है। मुझे भी ट्राई करने दो। तीसरा आउटफिट, जेन ने स्टाइलिश चीजों और सुंदर स्कर्ट पर पैसे खर्च करने का सोचा। और अब ध्यान दें, हमारे पार्टिसिपेंट्स को ग्रेड्स दें। तो ये यहाँ से शुरू हुआ था, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। बुरी किस्मत मजाक कर रही है, आपने इतने ट्विस्ट कभी नहीं देखे होंगे। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर कौन है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूँगा। मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। बुरा हुआ, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, सिर्फ आंसू है। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? सच बोलूं तो मैं खुद हैरान थी, ऐसा पहले कभी हमारे प्रोग्राम में नहीं हुआ है। तुम्हें पसंद आया? वो जरूर थक गए होंगे, मैं इन्हें नहीं जगाऊंगी। ब्लू मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। आखिरी लाइट बल्ब कहाँ है? मेरे बच्चे कितने अच्छे से सो रहे हैं, मैंने एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। ओ डैडी, आप बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए, क्या ये हमारे लिए है? ये क्या आप बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ गए? वो बहुत मजेदार था। टीचर होना आसान नहीं है, पर ये बहुत मजेदार है। मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। ये आराम करने के लिए एकदम सही जगह है, मैं पूरे दिन इसी तरह बैठना चाहता हूँ। मिस्टर रॉजर्स, कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। सच में? अभी मेरे पास एक तरकीब है, और इसलिए लहरों में उतार चढ़ाव आते हैं। अमी टीचर बाहर पढ़ाना पसंद करते हैं। इसे लिख लो, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आएगा। ओह, स्टूडेंट्स इस तरह से बेहतर सीखते हैं। और अगले साल हम प्रैक्टिस के लिए मालदीव्स जा रहे हैं। मुझे मिस्टर रॉजर्स के लेसन्स बहुत पसंद हैं। गरीब टीचर बीच पर जाने का बस सपना ही देख सकता है। आखिरकार उनके पास अपने बिजली और पानी के बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काट दिया गया है। कम से कम मैं अपना चेहरा धो सकता हूँ, सबसे जरूरी यही है। इस अंधेरे में काम की इकलौती शर्ट को तौलिया समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तैयार होना होगा, क्योंकि मेरी क्लास शुरू होने वाली है। मिस्टर पॉल, क्या आप सच में नार्निया ले जाने वाली अलमारी में रहते हैं, या पैसे बचाने के लिए कॉलेज में रहते हैं? आ गया, मैं अपने स्टूडेंट्स के आने से पहले इस जगह को साफ कर दूंगा। अमी टीचर ने एक बहुत ही अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। तुम्हारा टास्क इस बॉल से गोल करना है। ये आसान है, बस डैल सोने की बॉल के वजन के बारे में भूल गया। दर्द हो रहा है, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बॉलिंग करने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, इसके बजाय मैं रनिंग कर लेती हूँ, और मैं नर्स के पास जाता हूँ। अब वार्म अप का वक्त है, ये लो। आज बाहर बहुत गर्मी है, या बस मिस्टर पॉल को ऐसा लग रहा है? मुझे एक आइडिया आया है, सब लोग लाइन में लग जाओ। ओह, क्या हुआ मिस्टर पॉल? क्या आप गर्मी को लेकर परेशान हैं? कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट से कुछ खास एक्सरसाइजेस करवाकर उनकी बनाई ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। स्पीड को मत करो, तेजी से करो, बढ़िया, जारी रखो। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हम ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं? क्लासिक सुनते हुए म्यूजिक क्लास में जागते रहना एक चैलेंज है, जिसे हर कोई पास नहीं कर सकता।
लेकिन ये टीचर जानता है कि अपने स्टूडेंट्स को खुश और बिजी कैसे रखना है। जोश में आने का वक्त आ गया है, क्या तुम सब पार्टी के लिए तैयार हो? आज हम एक ऐसी चीज के बारे में सीखेंगे जिसे डीजे बूथ के नाम से जाना जाता है, और मुझे इस तरह के म्यूजिक लेसन बहुत पसंद है। इस तरह चीजें सिखाने से हर कोई दिलचस्पी दिखाएगा, सिवाय आलसी डैन के। क्यों तुम जानते हो कि कुछ पक्षी उड़ते हुए भी सो सकते हैं? हालांकि तुम सब भी सोने वाले हो। चलो एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। स्टूडेंट्स को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा। इससे मेरे कानों में दर्द हो रहा है। खैर, क्या मैं तुम्हें खुश करने में कामयाब रहा? पर गरीब टीचर अपने म्यूजिक से सबको डराकर भगाने में जरूर कामयाब रहा। वाह, ये एक असली सिक्का है। मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। आज के लेसन खत्म हो गए, क्योंकि टीचर के पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। मुझे अपना वक्त इस तरह बिताना पसंद है। शुक्रिया। जब आप गरीब होते हो तो आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी शाम गिटार बजाते रहना भी, क्योंकि ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। मैं गरीब टीचर हूँ, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या टेस्ट के दौरान आपके पेन ने काम करना बंद कर दिया? ऐसा हर स्टूडेंट के साथ कभी ना कभी तो होता ही है, लेकिन जब आपके पास एक और ना हो तो क्या करें? चलो भी लिखो। काश मेरे पास एक नया पेन होता ताकि मैं टेस्ट खत्म कर पाता। पढ़ाई के लिए तुम्हारी इतनी मेहनत तारीफ के काबिल है, इसके लिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ाई के एंजल। मैं स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए ही हूँ। अब मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, ये तो बाद में पता चलेगा। हे स्टूडेंट, अपने शैतानी दिमाग को जगाओ। वाह, ये किसी भी क्लास से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मस्ती के मॉन्स्टर की चालाकी काम कर गई। डैन टेस्ट के बारे में पूरी तरह से भूल गया। तैयार हो जाओ बच्चों, आज तुम्हारे लिए खास एस्ट्रोनॉमी लेसन होने वाला है। हालांकि हर किसी को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, लेकिन मिस्टर रॉजर्स अपने स्टूडेंट्स की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए बढ़िया तरीके जानते हैं। वाह, ये आ गया स्पेस से हमारा मेहमान। हेलो सबको, आज मैं आपको स्पेस के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक डायमंड प्लेनेट भी है? ओह, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय। गुड बाय। ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप क्लास में एक रॉकेट को उड़ते हुए देख सकें, लेकिन मिस्टर रॉजर्स ऐसा कर सकते हैं। इन गर्मियों में मैं 15 देशों में गई हूँ, समुद्र में तैरने गई और गोल्डन रेत पर धूप सेकी और एम्यूजमेंट पार्क में मजे किए। कितनी लकी है, मैं भी वो करना चाहता हूँ। बढ़िया कहानी है एमिली, तुम बैठ सकती हो। खैर, ये क्यों और मैं क्यों नहीं? सच में छुट्टियों की कहानी किसी भी काम करने वाले इंसान के दिल को छू लेगी। तुमने गर्मियाँ बहुत अच्छी बिताई। ओह, उन्हें क्या हुआ है? जरूरी बात ये है कि तुमने अच्छा वक्त बिताया। मिस्टर पॉल अपने स्टूडेंट्स के लिए खुश है, हालांकि पूरे मन से नहीं। मिस्टर रॉजर्स को लग्जरी में रहने की आदत है, तो एक आम पे चेक उन्हें चौंका नहीं सकता। और ये सब छुट्टे पैसे क्या हैं? खैर, कम से कम फायरप्लेस को जलाने के लिए कुछ तो मिला। महीने का सबसे अच्छा दिन सैलरी वाला होता है। ओह, कुछ प्रिंसिपल आ रहे हैं। काश मेरी सैलरी बढ़ जाए। हेलो, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड्रयू, तुमने इस महीने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें बोनस मिल रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये लो। ज्यादा नहीं है, लेकिन हर पैसा मायने रखता है। एक गरीब टीचर के लिए हर एक सिक्का बहुत जरूरी है, जिसे वो वैसे तो बहुत संभाल के रखता है। लेकिन आज कुछ अनोखा हुआ। जब कोई नहीं देख रहा था, तब उन्होंने अपना खजाना निकालने की सोची। ये रहे मेरे कुछ महीनों से बचाए हुए पैसे। ओह, शुक्र है कि पायरेट्स को अभी तक उसके खजाने के बारे में पता नहीं चला। एक अमीर टीचर के लेसन का सबसे जरूरी रूल यही है कि कोई देर से ना आए। आखिरकार वक्त ही पैसा है। मिस्टर रॉजर्स, मुझे माफ कर दीजिए, तो मैं इतना वक्त क्यों लग गया? और दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ये सब क्लास के बाहर खड़े आपके नए सिक्योरिटी गार्ड की वजह से है। चलो अंदर आओ।
लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? आप तक पहुंचने से आसान प्रेसिडेंट तक पहुंचना है। वो हमारी कुछ ज्यादा ही चेकिंग कर रहा है। मेरा डिवाइस बता रहा है कि तुम्हारे पास कुछ तो गलत चीज है। बेहतर होगा कि तुम मुझे दिखा दो कि तुम्हारे पास क्या है। ये कुछ खास नहीं है, बस एक पॉपेट है। इसे लाना मना है। मैं इसे जब्त कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम सिक्योरिटी गार्ड फिल के पास करने के लिए कुछ तो होगा। वो कहाँ है? आखिरकार मैंने उसे शेल्फ में छुपा रखा था। तो ये नीचे गिर गया है। क्लास में कोई नहीं है। खैर अच्छी बात है, चलो इसे बर्बाद नहीं करते। जब आप गरीब हो तो आप और कर भी क्या सकते हैं। मिस्टर रॉजर्स, आप इतने अमीर कैसे बने? देखो, मैंने हमेशा अच्छे से पढ़ाई की और बहुत मेहनत की, तो ऐसे मैं कामयाब हुआ। वैसे मैं तुम्हें कुछ दिखाने ही वाला था। वाह, पैसों से बना हुआ पॉइंटर। हर एक टीचर ऐसी शानदार चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर रॉजर्स किसी को भी हैरान कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल के ज्योग्राफी टेस्ट में की गई आपकी गलतियों की बात करेंगे। मिस्टर पॉल हमेशा की तरह जोश में है, लेकिन एक दिक्कत है, उनके रूलर ने उन्हें धोखा दिया और इतने जरूरी टाइम पर टूट गया, और टीचर के पास नया खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास क्रिएटिविटी है। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। हाय डैन। हेलो लेडीज। आउच, क्या एक प्रैंक है? मेरी कुर्सी कहाँ है? उसने मिस्टर पॉल के रूलर की जगह ले ली है। ओ डैन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं बस तुम्हारे टेस्ट के ग्रेड ही लिख रहा था। क्या, आज तो पक्का मेरा दिन ही खराब है। हॉलवे की दीवार पर सम्मान के रूप में कॉलेज के हर एक टीचर की फोटो है, लेकिन मिस्टर पॉल सिर्फ अपनी गरीबी के अलावा अपने साथियों से और भी चीजों में अलग है। सिर्फ वो ही एक है जिनकी फोटो नहीं लगी। और ये रही वजह। हो गया, अगला कौन है? हे, मिस्टर रॉजर्स ने फोटोशूट के लिए पूरी तैयारी की है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके जैसा अमीर आदमी फोटोज में चमकना चाहिए। अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ स्वीटी। ओप्स, माफ करना। अरे नहीं, मेरी शर्ट गंदी हो गई। फ्यू, शुक्र है मेरी नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ? अगला कौन है? मैं इस तरह फोटोशूट नहीं करवा सकता। मुझे इसे ठीक करना होगा। लोकल स्टोर में अभी भी एक शर्ट सेल पर लगी है। गरीब मिस्टर पॉल को कुछ नया और साफ सुथरा खरीदने के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये अच्छे से फिट हुई है। ओ, माफ करना, क्या ये पहले भी हो चुका है या मेरा कलीग मेरे साथ मजाक कर रहा है? लेकिन मैंने फोटोग्राफर से पहले ही बात कर ली है, इसलिए मुझे ऐसे ही फोटो खिंचवानी होगी। क्या तुम तैयार हो? मुस्कुराओ। चाहे गरीब टीचर की तस्वीरें मिस्टर रॉजर से कम अच्छी लगेंगी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मायने ये रखता है कि वो एक अच्छे टीचर है। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो फिर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।